हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले वेस्ट इंडीज में इस वक्त कैरिबियन प्रीमियर लीग चल रहा है, जिसमें वर्ल्ड क्रिकेट के नामी प्लेयर्स खेलते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे CPL के 9वें मुकाबले के बारे में, जिसमें एसटी किड्स पेट्रियट्स का मुकाबला बारबाडोस रॉयल्स से होगा। यह मैच 7 सितंबर को एसटी किड्स के वार्नर पार्क में खेला जाएगा। यह भारतीय समय अनुसार यह मैच मॉर्निंग के 4:30 पर स्टार्ट होगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमें स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं इनके वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम लगभग क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 84% रहेगा और टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके पिच एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे वार्नर पार्क की पिच बैटिंग के लिए अच्छी है और फील्ड भी तेज है। फास्ट बॉलर का इस जगह पर अच्छा परफॉर्मेंस किया है। पिच से रिवर्स स्विंग भी काफ़ी देखने को मिलता है, जिसके चलते डेथ ओवर में रन बनाना मुश्किल होगा। अब अगर बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जो कि बैटिंग फॉर्स का यहाँ पे 40% जीतने का चांस है, तो ही बॉलिंग फॉर्स का यहाँ पे 57% जीतने का चांस है। अब अगर बात करते हैं कि स्कोर देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इनिंग का स्कोर 164 है, तो ही पे सेकेंड इनिंग का स्कोर 143 है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड भी देख लेते हैं, जहाँ पे बारबाडोस रॉयल्स 6 मैच जीत के आ रहे, तो वहीं पर एसटी किड्स 4 मैच जीत के आ रही। तो दोस्तों इसके साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम एसटी किड्स का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। एसटी किड्स ने जीत के साथ टूर्नामेंट का स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद टीम लगातार 3 मैच हार गई। टीम एक जीत और 3 हार के साथ टेबल नंबर 5 पे स्टेबल है। वहीं पर एंड्रे फ्लेचर जो टीम के कप्तान है, टीम की बैटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। ओपनिंग में बात करेंगे जो कि एंड्रे फ्लेचर एविन लुइस की जोड़ी लगातार रन बना रही है। फ्लेचर ने लास्ट गेम में 81 रन बनाए थे। वहीं नंबर 3 पर जो कि काइल मार्स, जो कि अच्छे फॉर्म में देख रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में बात करें जो कि मैकली लुइस और जॉस क्लार्कसन सरफेन रनर को टीम के स्टेबल करते हैं। बॉलिंग में टीम लगभग फ्लॉप चल रही है, जो कि 286 रन बनवा दिए थे। यहाँ पर एनरिक नॉर्जी ऑर्गेन स्मिथ जो कि स्पेल के स्टार्ट करेंगे। नॉर्जी ने टीम के लिए सबसे ज़्यादा 6 विकेट लिए थे। स्पिन बॉलिंग में तवेज शमसी और स्मिथ ने जो कि ड्रॉप किया गया, उनके जगह पर आपको परफोल और मोशन को चांस मिला था, जहाँ प्रियान जोन और काइल मस जो टीम को ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। अब बात करते हैं एसटी किड्स का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि एविन लुइस है, एंड्रे फ्लेचर है, काइल मायर्स है, मिकली लुइस है, जॉन्स क्लार्सन है, सरफेन रनफोर्ड है, ऑडियन स्मिथ है, एनरिक नॉर्जी, तवेज शमसी, रियान जॉन्स और परमूल है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि काइल मायर्स है, एविन लुइस है, एंड्रे फ्लेचर है। अब अगर बात करते हैं दूसरी टीम यानी बारबाडोस रॉयल का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। टीम ने जीत के साथ टूर्नामेंट का स्टार्ट किया, अब लंबे गैप के बाद टीम अपना दूसरा मैच खेलेगी। रोवन पॉल टीम की कप्तानी करेंगे। ओपनिंग में बात करें जो कि आपको क्वेंटन डिकॉक, रकीम कॉनवेल जो टीम को स्टार्ट देंगे। डिकॉक ने लास्ट गेम में 87 रन बनाए थे। मिडिल ऑर्डर में आपको अलीक है, समर ब्रूक है, पावर हीटर रोवन पॉल जो टीम को जीत दिला सकते हैं, जेसन होल्डर जो कि टीम के एक्स फैक्टर है। टीम की बॉलिंग काफ़ी स्ट्रांग है, टीम के पास कई पेस है, स्पिन बॉलर्स है। बॉलिंग में आपको ओवेड मैको एंड नवीन हुलक जो कि स्पेल की शुरुआत करेंगे। मैको ने लास्ट गेम में सबसे ज़्यादा 3 विकेट लिए थे। स्पिन बॉलिंग में जहाँ पर श्रीलंकाई जोड़ी दुनित वेलक और महेश थिसना टीम को कभी भी विकेट दिला सकते हैं, जहाँ पे महेश ने 2 विकेट लिए थे। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो कि क्वेंटन डिकॉक है, रकीम कॉर्नवेल है, अलिक अठांजे, समर ब्रूक है, रोवन पॉवेल है, जेसन होल्डर है, दुनित है, महेश थिसना, ओवेड मैककोय, नवीन उल हक है, नीम यंग है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि रोवन पॉवेल है, क्वेंटन डिकॉक है, ओवेड मैककोय है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पर डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते चलते प्रिडिक्शन एंड कंक्लूजन करते हैं। एसटी किड्स लगातार 3 मैच हार चुकी है, जबकि बारबाडोस रॉयल अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रही है। फॉर्म को देखते हुए हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच विनर बारबाडोस रॉयल होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बन रहा, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।